हेलो वेलकम टू ऑल। हाँ वेलकम टू ऑल। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो जो नए बच्चे जुट गए वो उनको मैं थोड़ा बता दूं कि आपके सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। आप टेलीग्राम में शंकर सर मैथ्स क्लासेस क्लास 10 ऐसा बना हुआ है, वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। मैं वहाँ पर अभी भेज दूँगा। देखिए कुछ जो जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो थोड़ा पॉइंट मैं आपको बता दूँ, राइट। देखो जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, डिलेटेड पोर्शन, इन मैथ क्या क्या है देख लीजिए, फिर उसी के हिसाब से आप लोगों को क्या करना है प्रिपरेशन करना है। तो हर चैप्टर का मैं बताते जाऊंगा और उसी के हिसाब से आपको पढ़ाते जाऊंगा। तो एक जो चैप्टर नंबर हमने रियल नंबर पढ़ाया था आपको, मानव गुड, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इसमें आपको जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो पढ़ाया था इसको नहीं पढ़ना है आपको। अब न्यू सिलेबस में क्या करना है इसको छोड़ देना है। इससे और इस पर आधारित जितने भी सवाल हैं वो एग्जामिनेशन में आपको नहीं आएंगे, राइट। ये हटा दो, जैसे रियल नंबर चैप्टर में ये हटा देना है। ये उनके लिए है जो क्लास 10th में, आपके लिए मां अच्छा सिस्टर को दिक्कत थी। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में एक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस पर आधारित सवाल है, इसको छोड़ देना है, इसको नहीं बनाना है। हाँ वही डिस्कस कर रहा हूँ, वो मैं भेज देता हूँ आपको। कौन कौन चैप्टर क्या क्या डिलीटेड है वो लिखा हुआ है सब चीज़। तो रियल नंबर में ये हो गया, लीनियर इक्वेशन में तीसरा नंबर चैप्टर देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सेकेंड चैप्टर भी हम बात करते हैं। इसमें से क्या नहीं पढ़ना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। ये आपको नहीं पढ़ना है,
बाकी सारे मेथड आपको पकड़ना है। नहीं, सीए का नहीं करा रहे हैं, ये क्लास 10 का है लिखा हुआ है, ये क्लास 10 से रिलेटेड है, ये आपके लिए नहीं है। मैं क्लास 10 के बच्चों का क्लास ले रहा हूँ, उनको मैथ सिखा रहा हूँ, समझ गए वेद गुप्ता जी? नहीं, ये सीए का नहीं है, ये क्लास 10 के बच्चों का है, क्लास 10 के बच्चों का, राइट वेद जी? ये क्लास 10 का बता रहे हैं, सीए कुछ नहीं छोड़ता है, सीए में तो आपको सब पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या नहीं पढ़ना है यह बता देता हूं, जो अभी चैप्टर चल रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, आराध्या गुड इवनिंग, जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो नहीं आएंगे कि रेक्टेंगुलर पार्क है, इतना लेंथ है, इतना वर्ड जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम सॉरी सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल आएगा, ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा वर्ड वाला, है ना? जैसे 4.3 है तो 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक ये नहीं आएगा, इस तरह के वर्ड वाले प्रॉब्लम नहीं आपको आएंगे, सिचुएशनल प्रॉब्लम, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा और उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। ये एक्सरसाइज 4.3 है, और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ पीछे जरा देख लूं मैं, जो वर्ड प्रॉब्लम है वो वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ये बात आप जान लीजिए। 4.2 जो क्वेश्चन नंबर जैसे है 5, 6 इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, तो जो वर्ड प्रॉब्लम आपका रहता है ना कि दो कंजिक्यूटिव नंबर है, इसका प्रोडक्ट ये है, इस तरह जो लिखा हुआ सवाल है, तो इस तरह के सवाल वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5 to 11 नहीं बनाना है, बाकी सारे पॉइंट आपको बनाने हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं पढ़ना है, आराध्या क्लियर? रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा ये नहीं पढ़ना है, पॉलिनोमियल जो चैप्टर इसके पहले सेकेंड चैप्टर आपने पढ़ा था, पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है अ स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन फॉर द पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशियंट। देखिए पॉलिनोमियल में क्या है चैप्टर में, कॉफिशियंट से रिलेटेड जो सवाल आप पढ़ते थे ना, ए है, बी है, सी है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो पढ़ाया था, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये लिखता है कि ये नहीं आपको पढ़ना है। अ स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कॉफिशियंट। चलो इसको और भी हम स्टडी करके आपको बताते हैं कि कौन सा पार्ट अलग किया, इसमें क्लियर नहीं है, आराध्या क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, पेयर ऑफ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप नहीं पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना वर्ड प्रॉब्लम है वो नहीं पढ़ना है आपको। जैसे वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको दिया हुआ है तो वर्ड प्रॉब्लम को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप चेंज करते थे और चेंज करके फिर सवाल को आप बनाते हैं, तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर है आराध्या? आराध्या ये बात क्लियर है आपको? चलो अब थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं सवाल को, कहां से कहां तक हमने छोड़ा था। वर्ड प्रॉब्लम को आपको छोड़ देना है,
मैंने डायरेक्ट सॉल्व करने का एक तरीका पढ़ाया था, बाकी फार्मूला वगैरह पढ़ना है। कि अगर यह दिया हुआ हो और ए जीरो के इक्वल नहीं है, तो आप ए क्या है, बी क्या है, सी निकाल लो, और एक्स का ये फार्मूला निकाल सकते हो इसके मदद से, माइनस रूट्स इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें पॉलिनोमियल में सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो पढ़ाया था, ये सब आप नहीं पढ़ना है आपको। आप ध्यान दीजिए और वर्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़ना है, ये बात समझ लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम जो रहता है वो आपको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको सवाल है, सिचुएशनल सवाल, जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं दिया हुआ हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज पहले करना पड़ता है, फिर सवाल, इस तरह के सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। इस बार हटा दिया गया है, तो इसके आधार पर हमने सॉल्व करना आप लोगों को सिखाया था, सभी बच्चों को। इसमें तीन मेथड सिखाया था, फैक्टराइजेशन, स्क्वायर कंप्लीट करके, और इस मेथड से। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे, चूंकि आगे आपको पढ़ना है नहीं, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना नहीं है, तो इस पर क्यों काम करना है। आराध्या बात समझ में आ रही है? अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में देखो, कोई भी अगर आपको रूट के अंदर हो, अलजेब्रिक टर्म या वैल्यू, इसका रियल सोल्यूशन कब होगा? जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, ये ध्यान रखिए। एक्स का वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जरा एक पॉइंट को मैं यहां पर थोड़ा सा इसको फेसबुक पर ट्रांसफर कर दूं, फिर आगे की हम बात करेंगे। ध्यान दीजिए, टेलीग्राम पर भी भेज देता हूं। तो रूट के जो अंदर टर्म है वह ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये नेचर ऑफ रूट्स है। पर मैं बता रहा हूं बात, कॉन्सेप्ट को पहले साफ कीजिए। रूट के अंदर अगर माइनस फोर है तो नॉट रियल वैल्यू, इसको रियल वैल्यू नहीं कहते हैं, क्योंकि रूट निगेटिव अंदर में नहीं हो सकता है रियल में, तो इसका वैल्यू या तो जीरो से बड़ा है या तो जीरो से छोटा है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि हमको दिया हुआ हो तो रियल में सोल्यूशन कब होगा? तो रियल में सोल्यूशन तभी होगा जब रूट के अंदर का ये टर्म, देखिए ये, इसका वैल्यू या तो जीरो से बड़ा हो या तो क्या हो, जीरो के बराबर हो। अगर यह वैल्यू अगर जीरो से छोटा हो जाए इसका मतलब रियल सोल्यूशन नहीं है। तो नेचर ऑफ रूट्स जब भी कहेगा तो ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, नेचर ऑफ रूट इसी पर डिपेंड करेगा, और इसी का आधार पर नेचर ऑफ रूट इसी पर डिपेंड करेगा, और रियल सोल्यूशन होगा कि रियल सोल्यूशन नहीं होगा, कब होगा कब नहीं होगा, इसके बारे में आपको यहाँ पर समझना है। तो नेचर ऑफ रूट जिससे निकालते हैं उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी इतना इज इक्वल टू बी है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। रूट में कौन टर्म है? रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, तो जो रूट में टर्म है उसी पर नेचर ऑफ रूट डिपेंड करेगा, क्योंकि बाकी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये रूट से बाहर है, बी या निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं है,
ए यहां पर निगेटिव पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि ये जीरो नहीं होना चाहिए, बात ये क्लियर है। तो बाकी नेचर ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड करेगा, तो जो रूट के अंदर का टर्म है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसको हम बोलते हैं। तो जब भी नेचर ऑफ रूट आपको कहीं निकालने के लिए, तो आप हमेशा पहले इसका वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले ये निकालना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, और ये निकल गया तो फिर इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। और तीन कंडीशन होंगे, केस फर्स्ट, इफ डी ग्रेटर देन जीरो, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। अगर डी ग्रेटर देन जीरो आता है, आराध्या क्लियर हो रहा है, अगर डी क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट का क्या मतलब हुआ कि रूट के अंदर हो तो चाहे रैशनल नंबर होगा चाहे इरैशनल, हमने पढ़ाया था। डिफरेंट क्यों होगा, एक बार प्लस होगा तो एक बार माइनस होगा, प्लस और माइनस करोगे तो दो अलग अलग रूट आएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब यही हुआ, डिफरेंट। तो हम डी का वैल्यू निकालते हैं, तो डी के तीन वैल्यू होंगे। डी का वैल्यू या तो जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो से छोटा होगा। तो जीरो से अगर बड़ा होगा तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल। रियल में रैशनल और इरैशनल दोनों हो सकता है, और साथ में साथ ये अनइक्वल होगा, डिफरेंट होगा, ये डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि प्लस और माइनस करेंगे तो एक्स का दो डिफरेंट वैल्यू हमको आएगा। केस सेकंड, पहले लिख लेते हैं फिर एक दो सवाल बताते हैं। वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको नहीं एग्जामिनेशन में आएगा, सिचुएशनल सवाल को आपको छोड़ देना है। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आएगा, चाहे वो फैक्टराइजेशन से कहे, या फिर डायरेक्ट उस फार्मूला, जो फार्मूला को मैंने ऊपर लिखाया इसकी मदद से, या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना के ऐसा लिखेगा, नहीं लिखेगा तो कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं। के सेकंड, इफ डी बराबर जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये ध्यान रखिए, उल्टा सीधा दोनों पढ़ना है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो डी ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी बराबर जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन डी बराबर जीरो। डी बराबर जीरो, तो रूट्स रियल तो होगा, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है। इक्वल हम क्यों बोलते हैं, कि दोनों रूट समान आएंगे। माइनस बी प्लस माइनस जीरो करोगे तो पहला रूट भी टू ए आए, बी माइनस बी बाय टू ए आएगा, दूसरा रूट भी माइनस बी बाय टू ए आएगा, क्योंकि प्लस माइनस जीरो करने पर दो अलग अलग वैल्यू नहीं आ सकता है। क्लियर, इसीलिए रियल होगा और इक्वल होगा, तो डी जीरो हो जाएगा, तो रूट्स क्या हो गया, रियल और इक्वल होगा। और अगर डी छोटा हो जाए, केस सेकेंड, केस थर्ड, इफ अगर डी लेस देन जीरो, ध्यान दीजिए, तो डी यदि लेस देन जीरो तब हम क्या लिखेंगे, देन आर रूट्स आर नॉट रियल। इसको हम कई बार इमेजिनरी भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर भी होता है, लेकिन वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, इलेवेंथ में पढ़ना है। अगर इलेवेंथ में आप मैथ लोगे तब वहां पर पढ़ना है, ये इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर में क्या हो जाएगा, डी लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास टेन के बच्चों को ये नेचर ऑफ रूट्स आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो कैसे पूछा जाएगा, और ये भी हमने आपको बताया था, वर्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल ये सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है, तो क्लास टेन के बच्चे ये नहीं पढ़ेंगे,
वर्ड प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्यूशन केवल आएगा। सॉल्यूशन करने के जो तीन तरीके बताए हैं उस मेथड को पूछा जा सकता है, नेचर ऑफ रूट्स पूछा जा सकता है। ये सब बात को ध्यान देखिए, कुछ सवाल हम इस पर डिस्कस करते हैं आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, बाकी जिनका मैथ कमजोर है वो भी पढ़ सकते हैं। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, वन नंबर, ये हमको दिया हुआ है। नेचर ऑफ रूट्स कहीं निकालने के लिए तो फर्स्ट ऑफ फाइंड आउट ए बी सी, कैसे? बाय कंपेयरिंग इट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। कंपेयर दोज इक्वेशंस, द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, हियर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू वन। कोफिशियंट ऑफ एक्स इज बी और हियर कोफिशियंट ऑफ एक्स इज माइनस फोर, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू माइनस फोर एंड सी इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट टर्म। थ्री टर्म, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड जो लास्ट टर्म जो रह गया आपका, इट इज कॉल्ड ओनली कॉन्स्टेंट टर्म, चूंकि इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है। वेरिएबल इज नॉट मल्टीप्लाइड इन दिस टर्म, सो इट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट टर्म। द कोफिशियंट ऑफ सी, सी का, सी किसका कोफिशियंट है? वन का। कोफिशियंट ऑफ वन इज सी, इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट टर्म, और सी इज इक्वल टू थ्री। इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको पढ़ाया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट, देन फर्स्ट कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट डी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एंड पुट द वैल्यू ऑल ऑफ दिस, 16 माइनस 12 4, ग्रेटर देन जीरो, रूट्स क्या हो गया? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स रियल और अनइक्वल, अनइक्वल के जगह आप डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हो। नंबर टू, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। सी हियर, फर्स्ट कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करना है। फर्स्ट कंपेयर इट बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, हियर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू माइनस 5 एंड सी इज इक्वल टू क्या होगा? 6 होगा। फॉर नेचर ऑफ रूट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डी, आप डी निकालो, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी माइनस 5 स्क्वायर, 4 इंटू 3 इंटू 6, 25 माइनस 72 कितना आ गया? 48, 47 निगेटिव में, लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो आ गया तो क्या हो गया? रूट्स आर नॉट रियल। नॉट, रूट्स जो है क्या है? रियल नहीं है आपका। चलो एक और बताता हूं। नंबर थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ध्यान दो, ए बराबर 1, बी इजकल टू माइनस 4, सी इजकल टू 4, डी कैलकुलेट करो, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी माइनस 4 स्क्वायर 4 ए इंटू सी, 16 माइनस 16 जीरो, जीरो मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक बात और बता देता हूं,
जिसका रूट रियल और इक्वल आएगा वो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में होगा, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर होगा। जिसका भी रूट्स रियल और इक्वल होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर में, डायरेक्ट होगा परफेक्ट स्क्वायर में। क्लियर टू ऑल? तो ये सारा 4.4 चैप्टर आप 1 से लेके 1 और 2 ही बनाना है, वर्ड का तो प्रॉब्लम आपको आना ही नहीं है। तो 1 और 2 बनाइए, वर्ड का प्रॉब्लम आपको बनाना नहीं है। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। आराध्या बात समझ में आ गई? आराध्या क्लियर टू ऑल? आराध्या क्लियर हो गया? तो आज यहीं तक आप लोगों को पढ़ना है, यहीं तक आपको जानना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।